रुकाबाद से 15 से 16 साल से ये सिंगिंग कर रहे हैं और मात्र 20 साल के हैं। तो चलिए ये पहेली हम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे राज किशोर का। राधे रानी। अच्छा राध, मैं डर गई 2 मिनट के लिए। मैंने सोचा मैं तो बता दूं, नेशनल टेलीविजन है ये, पता चला आप बता देगी कौन है वो ढोलना। एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, आपके बाल बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जी उसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे भी कहानी है? बालों के पीछे मतलब यहाँ पे की? नहीं कहानी है। अच्छा क्या कहानी? ये बाल मेरी माता जी ने, मम्मी ने बोले हुए हैं मेहंदीपुर बालाजी के। अच्छा, तो ये बोले हुए बाल हैं। अब कुछ लोग हमें लड़की बुलाते हैं, कुछ लोग कुछ भी बुलाते हैं। अरे नहीं नहीं, बहुत ही खूबसूरत बाल है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज इनके लिए। बहुत ही प्यारी बात कही आपने। थैंक यू सो मच। चलिए गाया तो आपने बहुत उम्दा, लेकिन अब हम एक्सपर्ट एडवाइस की तरफ जाते हैं। दिलीप जी से मैं सबसे पहले। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आपका, और बाकी जो माता जी ने जो आशीर्वाद दे रखा आपको, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली। थैंक यू सर। बहुत अच्छा गाया, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप पूरा गाना जो है मुस्कुरा कर गा रहे थे। जो हंस के गाना प्रेजेंट किया जाता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। एंड आई लव योर स्माइल। क्या नाम है आपका?
राजा राजकिशोर राजकिशोर राजा राजा बोल सकते हैं आपको निकनेम राजा ये वेरी गुड राजा तेरा तो बजेगा बहुत जल्दी बाजा ये बहुत अच्छी बात है कि सैड सॉन्ग को भी मुस्कुराहट की जा हाँ यानी एंजॉय करके जब इंसान गाता है ना तो उस गाने में अपने आप ही एक अलग ही फील आता है तो इसको आगे भी जारी रखिएगा एंड थोड़ा सा सुर पे भी वर्क करना है आपको आगे के लिए ऑल द बेस्ट रज रज राजा तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना जब आप ये लाइन बोल रहे थे तो जो मैम बोल रही हैं कि आप शुरुआत जो कर रहे हैं वहाँ उसी मूड से आपने किया है लेकिन जब ये लाइन बोल रहे थे ना तो सच में वो स्माइल जो आ रही थी बहुत अच्छी लग रही थी बहुत सुंदर प्रस्तुति और आप अपने आप में एंजॉय कर रहे थे इस गाने को मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपके रही ऑल द बेस्ट थैंक यू